ये देखिए तोड़ा जा रहा है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बोट बहुत हिल रही है। हाँ फेंक दीजिए, अंदर ही फेंक दीजिए। फ्रेंड्स, घुमक्कड़ फूडी इंडिया आज आपको लेके आ चुका है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपको पता ही, हम लोग इस वक्त है उत्तर प्रदेश के फूड ट्रिप पर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस जंगलों में क्या कर रहा हूँ, आपको क्यों यहाँ पर लेके आया हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखाने लाया हूँ जो आपने बहुत रेयरली देखा होगा और बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी लग रहा होगा। भाई बहुत दूर से आ रहा हूँ पैदल चल के, क्योंकि गाड़ी लाने की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये जो आप पानी देख रहे हो, ये आप अगर अंदाज़ा लगाए ना तो भी ना लगा पाए। मैं आपको बताता हूँ, ये दरअसल पूरा दलदल है और इसके अंदर आप अगर 6 फुट के भी हो और खड़े हो जाए तो आप सीधे अंदर चले जाएंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो भैया सामने दिख रहे हैं, उनसे बात करनी है, उनके साथ हम अंदर जाएंगे। और मैं बता दूँ, कमल कमल कैसे उगता है, कमल कैसे तोड़ा जाता है, कमल के अंदर से जो खाने के लिए निकलता है वो कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो एड्रेस लोकेशन बता दूं, मैं हूं उत्तर प्रदेश में मऊ जिला पकड़ी बुजुर्ग गांव का नाम है, नैन माता थान है, यहाँ पे माता जी का स्थान है, वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। आपकी नज़रें जहाँ तक दौड़ेगी वहाँ तक सिर्फ पानी और पानी है, दलदल है, कीचड़ है और कुछ भी नहीं है। आज तक आपने कमल खरीदा होगा, मंदिरों में चढ़ाया होगा, घर ले गए होंगे, पर आज तक आपने कभी उसके अंदर से जो निकलता है खाया नहीं होगा। आइए भैया से बात करते हैं और देखते हैं अंदर का सफ़र कैसे तय हो पाता है। सिर्फ ये तो एक हिस्से पे मैं खड़ा हूँ छोटे से, बाकी आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये बड़े हिस्से जो आपको दिख रहे हैं सब कमल के फूल से भरे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, हम एक बार अंदर चलते हैं इनके साथ और देखते हैं कैसे कमल के फूल होते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं। तो भाई देखिए, अंकल जी से हमने बातचीत कर लिया है, वो तैयार हो गए हैं, बोट लेकर के आएंगे और बोट में हम बैठेंगे, चलेंगे अंदर आप सभी को लेकर के। बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में क्योंकि आज की ट्रिप मजेदार रहने वाली है। बात तो हमारी हो चुकी है, अंकल जी जा रहे हैं बोट लेने के लिए, बस बोट लेकर आते उसके बाद हम अंदर का सफर तय करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है आज का ये सफर, क्योंकि भाई हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में और जो दिखा रहे आज तक आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ घुमक्कड़ फूड इंडिया ही आपको ये पहली बार दिखा रहा है। तो गाइज, मैं थोड़ा सा किनारे पे खड़ा हूँ, दूर खड़ा हूँ और ये देखिए अंकल जी अपनी स्टाइल में फर्स्ट क्लास कमल के बीच में से अपनी बोट को लेकर के निकल रहे हैं और किनारे तक ला रहे। तो भाई इसी देसी बोट में आज हम सफर तय करने वाले हैं। क्या बात है, अगर गाइज आपको ये ट्रिप देखकर मजा आ जाए तो कमेंट कीजिएगा और अगर आपने किया हो ऐसी ट्रिप तो बताइएगा हमें। ये देखिए इसको रिवर्स मारेंगे, यहाँ से बैक आएगी, ये मजा आ जाएगा। हम लोग चल रहे बोट के अंदर, मेरी हालत ऐसी इसलिए क्योंकि मैं एक दिन पहले आकर के यहाँ पर रुका था। चल भाई आ जाओ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं बोट के अंदर, देखिए मैं बैठ चुका हूँ बोट में और यहाँ पर देखिए लकड़े के सहारे से पूरी बोट चलाई जा रही है। भाई क्या नाम है अंकल आपका, नाम क्या है आपका? नाम मल्लू सहानी। तो अंकल मुझे ये बताइए कितने साल से आप यहाँ पर ये कमल तोड़ते हैं? हाँ वैसे इसका कौन से सीजन का, कौन से टाइम का है, इसका कौन से टाइम में ही होता है? होता है अप्रैल महीने में चालू हो जाता है। हाँ होते होते मई जून तक तैयार। अच्छा बारिश के कारण बारिश हुआ।
तो गाइस एक बात बता दूं, ये एकदम से भरा हुआ है कमल के पत्तों से, कमल के फूलों से, और इसके अंदर बोट चल रही है, और बोट भी ऐसे चल रही है भाई, बहुत खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे बोट के अंदर बैठ रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने सुना है अंकल, जो इसके पत्ते होते हैं ये बड़े बड़े, ये खाने पीने के लिए भी शादियों में ले जाया जाता है, थाली की जगह इसको यूज किया जाता है। हाँ, दुर्गा जी का बात है ना। अच्छा, दुर्गा जी का, दुर्गा जी का बात है। हाँ, वजह से पत्ते खाने के लिए नहीं है। अच्छा, जो है इसका फल जो है तो लोग खाते हैं, लेकिन फल इसका यूज किया जाता है, हार वगैरह यूज करता है ना। इसको यूज किया जाता है, जो तेल जाता है वही बनता है। तो गाइज हम लोग काफी अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम एकाध दो तोड़ेंगे, तोड़ करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, हमारी बोट से भी टकरा रहे यहाँ पर फूल काफी। मैं काफी पीछे बैठा हुआ हूँ, बोट काफी लंबी है। तो अंकल जी जरा दो चार पीस तोड़िए, बताइए कैसे होता है, कैसे खाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, फेंकिए इसको, देखिए ऐसा खाएगा, इसके निकाल दिए इसका ये दाना निकल जाता है। हाँ, फेंकिए। तो गाइस हमारे पास भी आ चुका है, इसे हम लोग खाएंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा दो चार पीस और तुड़वा लेते हैं इनसे। भाई यहाँ पर, और आपको मैं बता दूँ, ऐसे ही बोट चलती रहती है, बोट चलती है, तोड़ते हैं और पूरी बोट भर करके ले जाया जाता है बाहर के तरफ। ये देखिए तोड़ा जा रहा है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बोट बहुत हिल रही है। हाँ, फेंक दीजिए, अंदर ही फेंक दीजिए। ये देखिए अंकल जी ने फेंक दिया है यहाँ पर, और इसे हम ट्राई करेंगे थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। भाई इस बोट में हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। सही बात है, हमारा काम नहीं, हमें डर का एहसास हो रहा है। देखिए पूरी बोट एक तरफ हो जा रही है, लेकिन बोट फिर भी चल रही है, संभल रही है। बहुत ही शानदार मजा आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से अंकल जी फटाफट तोड़े जा रहे हैं, और भाई बोट बड़ी सॉलिड चल रही है। ये देखिए बस बस इतना तो काफी है। तो अब बाहर की तरफ चला जाए, काम होगा तो चले। हाँ हाँ, चलते चलते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत सारे पीसेस तोड़ लिए। ये देखिए कमल के फूल तोड़े गए हैं, ये जो खाने के लिए इसमें आता है ये। अच्छा, इसके कुछ फायदे मुझे बताएंगे अंकल, इसके क्या फायदे हैं खाने के? खाने के फायदे तो हमको पता नहीं है, लेकिन खाने से खाने में स्वादिष्ट है, मीठा लगता है। विटामिन क्या बनता है वो पता नहीं। चलिए गाइस, विटामिन का तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप गूगल करके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे गूगल महाराज आपको सब कुछ बता देंगे। और मुझे बता सकते हैं आप ये कितना किलोमीटर का एरिया होगा अंकल? कितना किलोमीटर का एरिया होगा? किलोमीटर का तो ये 7 कोस जैसे कि है। 7 कोस लंबा चौड़ा, 7 कोस लंबा चौड़ा। हाँ, तो उसका हिसाब लगाइए कितना किलोमीटर होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग है बोट के अंदर, आप देख ही रहे, पूरा सफर में आपको दिखा रहा हूँ। ये है कमल के फूल, और ये कब मिलते हैं हमें, मैं आपको बता दूं, जब ये फूल झड़ जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद ये रहता है बचा हुआ,
और ये जो बोट के सहारे आते हैं लोग तोड़ते हैं, और ये देखिए आपको ये दिखा दूं भाई, बड़े बड़े पत्ते हैं, इनको देखने के बाद वो कार्टूनी दुनिया फील हो रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है कार्टून की दुनिया में हम लोग। और भाई बहुत गहरा खाई है, बहुत बड़ा दलदल है, अगर गलती से भी एक आदमी इसमें उतरे तो शायद वो अंदर के अंदर ही चला जाएगा। बोट देख रहे हैं हम लोग, टेढ़ी भी हो रही है, बहुत डर का माहौल बना हुआ है। आइए इसे तोड़ते हैं और फाइनल आपको दिखाते हैं कैसे खाया जाता है। ये देखिए जिस तरीके से इसको तोड़ा जाता है, ये तोड़ने के बाद इसमें से ये चीज़ निकलती है और ये चीज़ है जो खाई जाती है। लेकिन इसको पहले जो इसका कवर है वो निकाला जाता है, तो ये देखिए हम इसके कवर को निकालते हैं। भाई ये थोड़ा सा हार्ड है, और ये निकालने के साथ इसे हम ट्राई भी करते हैं और आपको बताते हैं। तो भाई ये हमें मिल चुका है, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, आइए इसे ट्राई करते हैं। भाई बोट में अलग से पानी आ रहा है, किनारा दिखाओ भाई इधर से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है, सच बता रहा हूँ, राइट अमेजिंग। अच्छा टेस्ट की बात कर लेते हैं, खैर हमने इसे टेस्ट किया, खाया, देखिए थोड़ा सा हल्का सा कसैला लग रहा है, हल्का सा, बाकी है बहुत ही मीठा। और मैं आपको बता दूँ ऐसी मिठास किसी भी फ्रूट की नहीं होगी, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल ये मिठास है, और मैं शायद बयान नहीं कर पाऊंगा किस तरीके का, मगर है ऐसी मिठास के नारियल पानी आप पीते होंगे उसका मिठास कैसा होता है कभी कभी, बस उस तरीके का ये मिठास है। और इसे हम ले जाएंगे, खाएंगे, अगर आप इसे चाहते हो खाना तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके तरफ मिलता हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा। तो शायद हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, अंकल जी ने बहुत मेहनत की, हमें अंदर ले गए, सब कुछ दिखाया इन्होंने, और हम लोग अभी चल रहे बाहर की तरफ। भाई एक बार बाहर की तरफ दिखा दो, तो भाई हम लोग आ चुके बाहर और यहाँ पर हमारा सफर होता है खत्म, ये अंकल के साथ, थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चलिए बाहर चलते हैं। चलो फाइनली बोट आ गई, तो भाई हमने अपनी चीज भी यहाँ पर ले ली है जो लेकर के हम जाएंगे घर और उसे ट्राई करेंगे। फूल वाला, कमल के गट्टे वाला, इसको कमल गट्टा बोला जाता है। मैं मिलता हूँ यूपी के अगले सफर में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ गाइज कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।